नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कोलफील्ड मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद सद्दाम, कोलफील्ड मिरर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मौजूद हूं सीतारामपुर रेलवे स्टेशन के रेलवे कॉलोनी में, जहां पे आप देख सकते हैं कि हेरिटेज बिल्डिंग बनाया गया है। ये पहले रेलवे क्वार्टर था, जिसके बाद 2017-18 में इसे खर्च करके, मेंटेनेंस करके हेरिटेज बिल्डिंग का नाम दिया गया। उसके बाद से इस बिल्डिंग में रेलवे कर्मी या रेलवे सुरक्षा बल या रेलवे प्रशासन जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए हैं। इसका मेंटेनेंस जो है आप देख सकते हैं, हम अपने वीडियो के माध्यम से इसका मेंटेनेंस आप लोगों को दिखाते हैं। ये मेंटेनेंस देख लीजिए कि इसका दरवाज़ा जो है वो तोड़ दिया गया है। लोगों ने बताया कि इसमें पानी टंकी भी था, उसको भी तोड़ दिया गया है और निकाल करके ले जाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल लगाया गया था, जिस बोल को भी यहाँ के लोगों ने तोड़ दिया है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे अफीम चरस गांजा पीने वाले लड़कों का एक डेरा सा लगा रहता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे गाय जानवर तरह तरह के मवेशियाँ जो हैं वो रहते हैं, और मवेशी रह करके यहाँ पे एक खटाल का निर्माण कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से मवेशियों का डेरा रहा है। आप देख सकते हैं कि रेलवे प्रशासन जो है बिल्कुल भी इसमें तवज्जो नहीं दिए हैं। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, आगे आप देख सकते हैं कि इस जगह को किस तरह से गंदा करके रखा गया है। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को सीतारामपुर रेलवे प्रशासन के द्वारा उनकी नाकामियों को दिखा रहा था, इसी दौरान मैंने आज सीतारामपुर रेलवे कॉलोनी में एक पानी का टंकी है जो 60-70 साल पहले बनाई गई थी, और इस पानी टंकी का निर्माण के साथ ही यह टंकी जो है डैमेज हो गया था। और उसके बाद से इस टंकी में ना ही पानी डाला गया है और ना ही इस टंकी को गिराया गया है, जबकि इस पानी टंकी के बगल में ही एनडी राष्ट्र विद्यालय हायर सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल मौजूद है। तो वो पानी का टंकी गिरवाने के लिए आप लोगों ने कुछ शिकायत वगैरह दर्ज कराए हैं पहले। और पानी जो आपने कहा कि पानी की टंकी जर्जर हो चुकी है, वास्तव में पानी की टंकी जर्जर हो चुकी है। इसके पहले जो हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक श्री आर एन पांडे जी थे, उन्होंने इसकी एक लिखित शिकायत की थी जहाँ तक हमको जानकारी जी सर, लेकिन मेरे द्वारा अभी तक इसकी कोई लिखित कंप्लेन इसकी नहीं हुई है। तो सर, आपके कार्यकाल में तो लॉकडाउन लागू हो चुका था, उसके बाद फिर बच्चे जो है विद्यालय में आना बंद कर दिए। स्वाभाविक है कि लॉकडाउन के कारण जो है बहुत से जो है सरकारी काम अकेले विद्यालय तो ऑफिस को करना पड़ा है, जिस कारण से उस पर रुझान नहीं दे पाए। लेकिन मेरा रेलवे प्रशासन से अपील है कि उसको जितना जल्दी से जल्दी हो उसको गिरवा करके उसको नीट एंड क्लीन कर दिया जाए, जिससे वहाँ पर मेरा, आप देखे होंगे कि वहाँ मेरा एक विशाल गेट है जी सर, पानी की टंकी के जर्जर अवस्था में होने के कारण ही मैं उस गेट को नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं गेट को खोलता हूँ किसी भी समय अगर वह टंकी गिर जाती है, हमारे एक दो बच्चे घायल हो जाए, तो फिर जो है इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम समाज को भुगतना पड़ेगा। सर, जैसा कि हमें मालूम है कि 2009 या 2008 में यहाँ पे रेलवे DRM किसी एनुअल प्रोग्राम में हमारे विद्यालय में आए थे, तो इस विद्यालय में आने पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पानी टंकी को जल्द से जल्द गिराया जाएगा। उसके बाद आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पांडे सर जी जो है उन्होंने भी लिखित रूप से कंप्लेन किया था, तो 2008 में जो DRM आए थे, तो वो जो आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ?
आश्वासन धरा का धरा रह गया। अभी तक तो पानी की टंकी आप लोग देख रहे हैं कि जस का तस अपने स्थान पर और भी जर्जर से जर्जरतम अवस्था में चला गया है। कब वह गिरेगा इसको कोई भी इसका कोई ठिकाना नहीं। तो रेलवे प्रशासन को आप लिखित रूप में कोई सूचना दीजिएगा या हमारे चैनल के माध्यम से कोई जानकारी दीजिएगा। आपके चैनल के माध्यम से भी जानकारी दे रहा हूँ और सत्ता पड़ने पर उनको लिखित भी दूंगा कि इतना जल्दी से जल्दी हो जिसे आप जो है वह नीट एंड क्लीन कर दें जिससे मैं अपने गेट को वहाँ से खुलवा सकूँ। और हमारे यहाँ 3,000 प्राइमरी से लेकर मेरे यहाँ 3,000 बच्चे बच्चा पढ़ते हैं। एक ही गेट से उनको आने जाने में सुविधा होती है। अगर वह गिर जाता है तो उसको मैं यथाशीघ्र क्या करूँगा गेट को चालू कर दूंगा जिससे वहाँ पर आप देखते होंगे कि बहुत जंगली जंगल है, बहुत से झाड़ झंखाड़ है, सांप बिच्छू का डर है। अगर वो रास्ता क्लियर हो जाता है तो इलाका भी क्या हो जाएगा साफ और सुथरा हो जाएगा। रेलवे का जो यातायात का जो स्कूल आने का जो साधन है यातायात का वो तो खास रेलवे का ही मार्ग से है, तो रेलवे का मार्ग को देखा गया कि पूरी तरह से डैमेज है, उस बारे में कुछ। रेलवे का मार्ग तो पूर्णतया डैमेज है, जो पुल है उसमें बराबर पानी आता रहता है, रिश्ता रहता है, चारों तरफ से फ्लो होता रहता है, मवेशियाँ आ करके उसमें गोबर करती रहती हैं जिसके कारण हमेशा जो है वह दुर्घटनाएं की संभावना बनी रहती है। बार बार बच्चों को हिदायत दिया जाता है कि आप लोग जो हैं पुल से जो भी हो साइकिल वाले बच्चे हैं वही पुल से अभी पैदल आने वाले बच्चे उस रास्ते से न गुजरे, लेकिन उसके बावजूद बच्चे तो बच्चे हैं उसी से होकर के गुजरते हैं। और रेलवे प्रशासन से अपील है कि ये रास्ता बने हुए बहुत दिन हो गया है और यहाँ पर रेलवे के भी बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है कि रेलवे के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, रेलवे एम्प्लाइज के भी अधिकांश बच्चे जितने भी हिंदी भाषा भाषी हैं आसपास के नेबरिंग इलाके के सभी यहाँ पर पढ़ते हैं। इसलिए यदि उस रास्ते को ठीक ठाक कर दिया जाए तो मैं रेलवे प्रशासन की पूरी पूरी प्रशंसा करूँगा और अपील करता हूँ कि इस पर जरा सा ध्यान दें और रास्ते को बनाने का प्रयास करें। आपका नाम क्या है? गिरीश कुमार सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद सद्दाम। जैसा कि आप लोगों को मैं सीतारामपुर रेलवे में रेलवे द्वारा यहाँ पे हेरिटेज बिल्डिंग बनाया गया था जिसको हमने अपने CFM चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दिया। दोस्तों, उसी की जानकारी के लिए हम लोग अभी IW में आए हुए थे। आप देख सकते हैं अभी हम लोग खड़े हैं सेक्शन इंजीनियर वर्क्स ऑफिस में। यहाँ जब हमने BK मिश्रा सर से बात की तो उन्होंने बताया कि हेरिटेज बिल्डिंग में कुल खर्च 1.5 लाख रुपए तक की हुई थी। उसके बाद से वहाँ पे किसी किस्म का मेंटेनेंस नहीं किया गया। वजह यह था कि कोई लोग उस जगह पे रहना नहीं चाह रहे थे, जिस कारणवश वो हेरिटेज बिल्डिंग जो है उसका मेंटेनेंस का काम नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही उस हेरिटेज बिल्डिंग के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जब हमने जो पुराने वाटर टैंक के बारे में उनसे पूछा, जो पानी टंकी NDE राष्ट्र विद्यालय स्कूल को जाती है उस रास्ते में जो पानी टंकी है उसके बारे में जब हमने पूछा इनसे, तो इन्होंने कहा कि उसके लिए भी प्रस्ताव रखा गया है, उस टंकी को गिराने के लिए टेंडर भी किया गया है, किंतु आशा करते हैं जल्द ही उस टंकी को गिरा दिया जाएगा। मैं मोहम्मद सद्दाम, कैमरामैन अलाउद्दीन के साथ CFM चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद सद्दाम CFM चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि कोरोना काल से लॉकडाउन के दौरान से हमारे पूरे हिंदुस्तान में रेलवे पे रोक लगा दिया गया था, उसके बाद धीरे धीरे रेलवे की शुरुआत हुई और रेलवे ट्रेन का आवागमन शुरू किया गया। इस दौरान हमारे पश्चिम बंगाल में आगामी 5 नवम्बर को हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आवेदन रेलवे प्रशासन को दिया था कि रेलवे लोकल ट्रेन को चलाया जाए। इस दौरान हमारे पश्चिम बंगाल के कई ऐसे जिला में रेलवे ट्रेन जो लोकल ट्रेन है उसको चलाने की अनुमति मिली, किंतु आसनसोल क्षेत्र में हमारे जो आसनसोल जिला है इस जगह पे रेलवे लोकल ट्रेन को नहीं चलाया जा रहा है, जिस कारण से लोग जो डेली पैसेंजर हैं उनको आगमन में काफ़ी असुविधाएं आ रही है। इसलिए हम लोग आज सीतारामपुर रेलवे स्टेशन में आए हैं जो कि आसनसोल रेलवे स्टेशन के काफ़ी करीब है। और यहाँ जब हमने सीतारामपुर रेलवे स्टेशन मास्टर से बात किया तो उन्होंने हमें जानकारी दी कि सिर्फ अभी यहाँ के
पश्चिम बंगाल के जितने भी अर्बन एरिया हैं वहाँ पे रेलवे ट्रेन चलाने की अनुमति प्राप्त हुई है। ऐसे रेलवे ट्रेन चलाई जा रही है जो कि रोज जिसमें डेली पैसेंजर आना जाना करते हैं, किंतु आसनसोल क्षेत्र में, हमारे आसनसोल जिला में एक भी लोकल रेलवे ट्रेन नहीं चलाया जा रहा है। इसलिए जो डेली पैसेंजर है, जो डेली यात्री है, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं मोहम्मद सद्दाम, कैमरामैन अलादीन के साथ।